हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ए फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट वेदर बिकॉज। तो फैन है, जब गर्मियों के दिन में फैन जब चलाते हैं तो क्या होता है, कंफर्ट महसूस होता है, आराम महसूस होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारा आवर परस्पिरेशन इवोपरेट्स रैपिडली, तो जो हमारा जो पसीना होता है वो इवोपरेट होता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी डी। A fan produces a feeling of comfort during hot weather primarily because it promotes rapid evaporation of perspiration from our skin. तो हमारे स्किन से जो परस्पिरेशन होता है, तो बेसिकली जो स्वेट होता है, पसीना होता है, वो बहुत तेजी से इवोपरेट होता है। इवोपरेट होगा तो ये क्या होगा, जो इवोपरेशन प्रोसेस है वहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो यूज करेगा ये पसीना इवोपरेट होने में। और जब ये यूज करेगा तो बॉडी को क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, कूल महसूस होगा। ठीक है, व्हेन वी स्वेट द मॉइस्चर ऑन आवर स्किन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी। जब हम स्वेट करते हैं, जो मॉइस्चर होता है हमारे स्किन पे, वो क्या करता है, हमारे बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, लीडिंग टू अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, व्हेन अ फैन ब्लोस एयर ओवर स्किन, और जब फैन ब्लो होता है स्किन के ऊपर, जो मतलब स्किन के ऊपर ब्लो होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये क्या करता है, इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देता है, which helps to remove heat from our body more efficiently. तो जिससे क्या होता है, जो हीट है उसको बहुत तेजी से efficient तरीके से रिमूव करता है, और resulting in a sensation of comfort. इससे comfort महसूस होता है। The other options mentioned such as supplying cool air or increasing the conductivity of air do not directly contribute to the cooling effect provided by fan. तो ये सब जो दूसरे ऑप्शन है वो गलत है। अगर बात करें evaporation का, तो evaporation क्या होता है, इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड सब्सटेंस, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इन टू गैसेज। तो जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है, टिपिकली बाई गोइंग गेनिंग थ्रू एनर्जी टू ओवरकम इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज एंड एस्केप इन टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। वो कैसे होता है, तो वो इनफ एनर्जी अपने गेन करता है टू ओवरकम, टू ब्रेक द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। जो लिक्विड के अंदर इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो एनर्जी ऑप्टेन करता है बाहर से। सपोज आप हीट कर रहे हैं उसको, तो क्या करता है, एनर्जी ऑप्टेन करता है और उस इंटर मॉलिकुलर फोर्स को ब्रेक करके वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाला कुछ फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, फैक्टर्स है विच अफेक्ट इवेपोरेशन। हाइयर टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी टू लिक्विड पार्टिकल्स, जो हाइयर टेम्परेचर होते हैं वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिक्विड पार्टिकल को, इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया एंड स्पीडिंग अप द इवेपोरेशन प्रोसेस। जैसे क्या होता है, जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो तोड़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी टूटेगा तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें सरफेस एरिया की, ए लार्जर सर्फेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू द एयर अलाउज फॉर मोर पार्टिकल्स टू एस्केप इन टू द गैस फेज, एनहांसिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर सर्फेस एरिया ज्यादा है, सिंपल याद रखिए, सर्फेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्यों होगा, क्यों ज्यादा एरिया मिला लिक्विड पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने होने के लिए, अपना फेज चेंज करने के लिए, इसलिए ज्यादा सर्फेस एरिया होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर अफेक्ट्स इवेपोरेशन। तो ह्यूमिडिटी बेसिकली होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है हवा में, अगर वो ज्यादा है, वेपर ज्यादा है, तो क्या करेगा, इवेपोरेशन को रोकेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हवा में बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, तो क्या होगा, ऑलरेडी सैचुरेटेड है या उससे कम हल्का सा, तो जो लिक्विड से इवेपोरेशन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, लोअर ह्यूमिडिटी लेवल्स क्रिएट अ लार्जर वेपर प्रेशर ग्रेडिएंट फैसिलिटेटिंग फास्टर इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब हवा में वाटर मॉइस्चर, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो इससे क्या होगा, एक लार्ज वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ग्रेडियंट क्रिएट होगा, मतलब कम वेपर है हवा में तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, और जिसके कारण इवेपोरेशन ज्यादा होगा, बहुत तेजी से होगा। फिर है अगर हम देखें एयर मूवमेंट, इंक्रीज्ड एयर फ्लो सच एज फ्रॉम विंड और फैन प्रमोट्स फास्टर इवेपोरेशन बाय कंटिन्यूअसली रिप्लेसिंग द सैचुरेटेड एयर सराउंडिंग द लिक्विड सर्फेस विद ड्रायर एयर। तो ये क्या कर रहा है, एयर मूवमेंट में क्या होता है, अगर एयर फ्लो ज्यादा है, मतलब मान लीजिए ये आपका लिक्विड का सरफेस हो गया, यहाँ पे हम इवेपोरेशन हुआ आपका, इस डायरेक्शन से आपको हवा फ्लो कर रहा है, जैसे ही इवेपोरेशन बनकर यहाँ पे पहुंचा,
जैसे हवा फ्लो करा था तो इस वाले हवा को, इस वाले इवेपोरेशन को, वेपर को ये मूव कर दिया, इधर ले गया। तो जैसे ही इधर ले गया तो यहाँ पे फ्री स्पेस खाली हो गया, स्पेस खाली होगा तो फिर यहाँ से तेजी से इवेपोरेशन होगा। तो अगर एयर फ्लो का एयर फ्लो इंक्रीज कर जाए या विंड से या कोई फैन से, तो ये क्या प्रमोट करता है, फास्टर इवेपोरेशन प्रमोट करेगा बाय कंटिन्यूसली रिप्लेसिंग द सैचुरेटेड एयर सराउंडिंग द लिक्विड सरफेस विद ड्रायर एयर। तो लिक्विड सरफेस के सराउंडिंग में जो सैचुरेटेड एयर फॉर्म हो रहा है उसको ड्रायर एयर से रिप्लेस करता जाएगा, ठीक है। वो सैचुरेटेड एयर वहां से हट गया, ड्रायर एयर आ गया, तो फिर से इवेपोरेशन होगा। चलिए बढ़िया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो इवेपोरेशन क्या है, एक कूलिंग प्रोसेस है, एज इट रिमूव्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से हीट को रिमूव करता है, तो इसलिए इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग प्रोसेस है, विच इज वाई रैपिड इवेपोरेशन और परसिपरेशन कैन प्रोवाइड अ कूलिंग सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन ए क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद। जो क्लियर स्काई में रात के टाइम में जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है, तारे चमकते हुए दिखते हैं, इसका कारण क्या है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मदद से। किसकी मदद से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मदद से। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन ए क्लियर नाइट टाइम कैन स्काई कैन बी एक्सप्लेन बाई द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल याद रखिएगा, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है किस वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एज ए स्टार लाइट पासेस थ्रू द अर्थ अर्थ एटमोस्फेयर, जब अर्थ के एटमोस्फेयर में, अर्थ के एटमोस्फेयर से स्टार लाइट पास करता है, तो ये क्या करता है, अलग अलग टेम्परेचर वाले रीजन से पास करता है, डेंसिटी वाले रीजन से पास करता है जिसका अलग अलग डेंसिटी होता है, जिससे लाइट क्या है, बेंड होता है या रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, ये मान लीजिए ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से ये लाइट रे आया, तो ऐसे ना जाके क्या होगा, ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, अपने नॉर्मल पाथ से वो डेविएट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, डिपेंडिंग अपन था किस मीडियम से, मतलब हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी मीडियम में जा रहा है या लोअर डेंसिटी मीडियम से हायर डेंसिटी में जा रहा है। तो ये कारिशी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब अर्थ एटमोसफेयर से स्टार्स लाइट पास करता है तो क्या होता है, अलग अलग रीजन से पास करता है जिसका टेम्परेचर अलग होता है, डेंसिटी अलग होता है, तो इस कारण उसका जो नॉर्मल पाथ होता है वो बेंड होते रहता है, ठीक है। नॉर्मल पाथ फॉलो नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करता है, बेंड करते रहता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। दिस रिफ्रैक्शन रिजल्ट इन द अपेरेंट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और इस कारण से क्या होता है, इसका स्पीड भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्विंकलिंग दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, कभी ज्यादा ब्राइट दिखेगा, कभी डिम दिखेगा। एज द लाइट पास आर कॉन्स्टेंटली बींग सबली अल्टर्ड, तो जो लाइट पाथ है वो क्या हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरी तरफ जो रिफ्लेक्शन होता है या पोलराइजेशन होता है, रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में रिफ्लेक्शन या पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कोई रोल नहीं होता है। रिफ्लेक्शन इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्टिवेटिंग ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व इन द मिडनाइट स्काई। तो जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है रात में, उसका प्राइमरी फैक्टर क्या है, रिफ्लेक्शन है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन लाइट होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफर्स टू अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये सरफेस मान लीजिए आपको इस पे लाइट पड़ा, ये क्या होगा, बाउंस करेगा, बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। ना ही इसको ये ऑब्जर्व होगा, ना ही ट्रांसमिट होगा, अगर यही पास पे जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ मिरर फॉल्स इन अ स्मूथ सरफेस इट बाउंसेस बैक अलाउंग अस टू सी आवर रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्मूथ सर्फेस ऑफ द मिरर एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिव सर्फेस रिफ्लेक्टिंग द लाइट इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। वही बोल रहा है कि अगर मिरर पे लाइट फॉल करेगा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा और हमें इमेज दिखाई देगा इस रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ अ लाइट वेव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रिएट होगा प्लस माइनस, उसका अलाइनमेंट क्या है, उसका अलाइनमेंट क्या है लाइट वेव का, लाइट वेव का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, तो उसी में बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट पोलराइज हो गया, मतलब ठीक है एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पोलराइज सन ग्लासेस आर डिजाइन टू सेलेक्टिवली ब्लॉक हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि जो पोलराइज सन ग्लासेस होते हैं
वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि जो वो सिलेक्टिवली ब्लॉक करेंगे हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट, जो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोलराइज लाइट आएगा उसको ब्लॉक करेगा। इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग ग्लेयर फ्रॉम सर्फेसेज सच एज वाटर और साइनी ऑब्जेक्ट्स। जो वाटर या साइनी सर्फेस से ऑब्जेक्ट से एक जो चमक होता है, ग्लेयर आँख पे पड़ता है, तो उसको ये ब्लॉक करेगा। चमक मतलब आँख पे चमक नहीं पड़ेगा, अचानक से ग्लेयर नहीं आएगा। द अलाइन मॉलिक्यूल्स इन द लेंसेज एक्ट एज अ पोलराइजिंग फिल्टर। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स अलाइंड होते हैं एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसके कारण क्या होता है, जो एक पोलराइजिंग फैक्टर की तरह काम करता है। अलाइन ओनली वर्टिकली पोलराइज लाइट टू पास थ्रू, और क्या अलाउ करता है, ओनली वर्टिकली पोलराइज लाइट टू पास थ्रू। अगर बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन दैट अकर्स व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स कंबाइन एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब होता है, वह एक फेनोमेना है जब दो या उससे अधिक लाइट वेव, दो या दो से अधिक लाइट वेव क्या होता है, कंबाइन होता है एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे से कंबाइन हुआ फिर यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ, दो या दो से अधिक लाइट वेव, रिजल्टिंग इन द रीइंफोर्समेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट और कैंसिलेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वेव। तो वेव को या तो ऐड हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, या क्या होगा, कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा या ऐड होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन वेव्स कंबाइन टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर वेव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे, जब दो वेव्स कंबाइन करके स्ट्रॉन्गर वेव बन रहा है, वाइल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे, जब दो वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कलरफुल पैटर्न सीन ऑन थीन सोप फिल्म और आयल स्लिक्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। जो कलरफुल पैटर्न बनता है थीन सोप फिल्म से, वो कैसे बनता है, वो रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस है। When light waves reflect from the top and bottom surface, जब light wave reflect होता है from top and bottom surface of the thin film, they interfere with each other. तो ये क्या करता है, एक दूसरे से interfere करेगा, leading to the observed pattern of the bright and dark. इससे क्या होगा, एक observed pattern हमें दिखेगा, pattern दिखेगा किसका, bright और dark pattern का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका प्रिंसिपल होता है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब याद रखिएगा, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है और अनकंट्रोल्ड होता है। फ्यूजन रिएक्शन मतलब क्या होता है, दो एटम कंबाइन करके, ठीक है, तीसरा एटम होता है, तीसरा एलिमेंट बनता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। व्हेन टू स्मॉलर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर एलिमेंट्स, तो उसको बोलेंगे हम फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। द हाइड्रोजन बॉम्ब आल्सो नोन एज थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को और क्या बोला जाता है, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। क्या, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो ये किस पे बेस्ड है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन में बेस्ड है। ठीक है, अब क्या होता है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ये देख लेते हैं। एन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन रिफर्स टू अ फ्यूजन प्रोसेस। तो ये क्या है, फ्यूजन प्रोसेस है that occurs spontaneously and rapidly. तो बहुत spontaneous होता है, तुरंत होता है, जल्दी होता है, और rapidly होता है, बहुत fastly होता है। ठीक है, releasing a massive amount of energy in an uncontrolled manner. तो चूंकि spontaneous reaction है, तुरंत हुआ और बहुत जल्दी जल्दी हुआ, और एक तो क्या होता है, एक massive amount of energy निकलता है, बहुत ज्यादा energy निकलता है in an uncontrolled manner, कोई इसको control नहीं कर पाता है। ठीक है, this type of reaction is the principle behind a hydrogen bomb. यही principle involved है बिहाइंड अ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के पीछे क्या है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। इन हाइड्रोजन बॉम्ब द एक्सप्लोजन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर बात करें हाइड्रोजन बॉम्ब में एक्सप्लोजन इनिशिएट कैसे होता है, तो इनिशिएट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। ठीक है, विच देन ट्रिगर्स एन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। पहले स्टार्ट होगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, फ्यूजन होगा। ठीक है, मतलब ब्रेक होगा, एक लार्जर एलिमेंट ब्रेक होगा स्मॉलर एलिमेंट में, और ये ट्रिगर करेगा एक अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन को ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। फिर हाइड्रोजन आइसोटॉप्स क्या होगा, कंबाइन स्टार्ट होगा, हीलियम बनाने लगेगा, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन किसका, जैसे कि ड्यूट्रियम हो गया या ट्रिटियम हो गया, रिलीजिंग एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। द एक्सप्लोजन ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब इज मेनी टाइम्स मोर पावरफुल देन दैट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। जो हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है वो कई गुना ज्यादा होता है एटॉमिक बम से। ठीक है, फिर देखते हैं कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियाई। तो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है,
तो फ्यूजन रिएक्शन वह होता है जहां पे हम दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई को, दो लाइट हल्के हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई को क्या करते हैं, कंबाइन कराते हैं, कंबाइन कराते हैं टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई, दो स्मॉलर एलिमेंट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अगर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में हो रहा है तो उसी को बोलेंगे कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, रिलीजिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मैटर इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो यहाँ भी अमाउंट तो खैर एनर्जी काफी ज्यादा निकलेगा ही, लेकिन कंट्रोल होगा, हम उसे कंट्रोल कर सकेंगे। दिस इज द प्रोसेस दैट पावर द सन एंड अदर स्टार्स, तो यही प्रोसेस है जो सन और स्टार्स को पावर देता है। ठीक है, अगर बात करें कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन की, तो ये क्या होता है, ए कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन रिफर्स टू द कंट्रोल्ड स्प्लिटिंग ऑफ हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई, फ्यूजन हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, एक हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होगा, कंट्रोल्ड स्प्लिटिंग होगा, उसका टूटना ब्रेकिंग होगा, जैसे कि यूरेनियम हो गया या प्लूटोनियम हो गया इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यूरेनियम और प्लूटोनियम क्या होगा, ब्रेक होगा लाइटर न्यूक्लियाई में। दिस प्रोसेस रिलीजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इज यूटिलाइज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा मेथड इन्वॉल्व होता है, तो ये कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है, याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ ब्रेक होता है हायर न्यूक्लियाई, ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन इज सस्टेन्ड ओनली बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूजन। तो न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है, जो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है, वो सस्टेन कर पाता है, क्यों, बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन के रेट को कंट्रोल करके सस्टेन हो पाता है, यूजुअली बाय यूजिंग कंट्रोलर्स टू एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स, यूजुअली बाय यूजिंग कंट्रोलर्स टू एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स। तो यूजुअली क्या होता है, कंट्रोलर्स को इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस जो न्यूट्रॉन निकला है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को। दिस प्रिवेंट्स एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड इंश्योर्स ए स्टेडी एंड अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर देखते हैं अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन है मतलब एक हायर न्यूक्लियाई, हेवियर न्यूक्लियाई टूट रहा होगा लाइटर न्यूक्लियाई में, तो फ्यूजन हो गया। ठीक है, और अनकंट्रोल्ड है, यहाँ पे हमने जाहिर सी बात है कोई कंट्रोलर नहीं यूज किया होगा तभी अनकंट्रोल्ड है। एंड अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन रिफर्स टू एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन फॉर्म हो गया, विद द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई अकर्स रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली। एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है, स्प्लिट कर रहा है रैपिडली और अनकंट्रोलेबल तरीके से। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड एन एटॉमिक बम, यही प्रिंसिपल बिहाइंड होता है एटॉमिक बम के पीछे। ठीक है, द न्यूक्लियर बम दैट वॉज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू वॉज कॉल्ड लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा में जो एटॉमिक बम डाला गया था, हिरोशिमा में जो एटॉमिक बम गिराया गया था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय, याद रखिएगा हिरोशिमा का था लिटिल बॉय, इट वॉज अ गन टाइप बम विच यूज एज यूरेनियम कोर, तो यूरेनियम कोर यूज किया गया था। और जो फिर नागासाकी में गिराया गया था वो था फैट मैन, तो लिटिल बॉय और फैट मैन, जिसमें यूज किया गया था प्लूटोनियम कोर। तो अभी तक दो एटॉमिक बम यूज किए गए हैं, जापान में यूज किया गया था अमेरिका के द्वारा, एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन, हिरोशिमा में गिराया गया था पहले लिटिल बॉय के नाम से, और फिर नागासाकी में गिराया गया फैट मैन के नाम से। देखते हैं क्वेश्चन 79, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज, तो खाना जो है प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है, कारण क्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के कारण जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर में बॉइल करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसीलिए खाना पक पाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द करेक्ट स्टेटमेंट इज फूड गेट्स कुक्ड फास्टर, तो फूड जो है जल्दी खाना पक जाता है इन प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर में, कारण क्या है, बिकॉज वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और हाई टेम्परेचर पर जाके बॉइल करता है, इसलिए खाना को पकने के लिए टाइम मिलता है और खाना पक जाता है। अब हो रहा है इन प्रेशर कुकर द सील्ड इन्वायरमेंट ट्रैप्स स्टीम, जो इन्वायरमेंट हमने बंद कर दिया है प्रेशर कुकर में, क्या होता है ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं, तो उसको सील कर दिया इन्वायरमेंट को, तो ये क्या करता है, स्टीम को जब हम गर्म करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है पानी, तो स्टीम को हमने ट्रैप कर लिया है, स्टीम को हमने जाने नहीं दिया एनवायरनमेंट में, ट्रैप कर लिया है, इससे क्या होगा, जो अंदर में प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है और दिस इंक्रीज प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और चूंकि प्रेशर बढ़ चुका है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर हम लगा रहे हैं तो ज्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा उसको बॉइल कराने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया पानी का,
एज द रिजल्ट द वाटर इन साइड द प्रेशर कुकर रीचेज द हायर टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स टू बॉयल। तो बॉइलिंग उसका जब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया तो बॉयल होने से पहले उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया टेम्परेचर। ठीक है, By reaching higher temperature, the food inside the pressure cooker is exposed to more intense heat, leading to faster cooking times. ठीक है, तो जो कि अब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो अंदर में जो खाना है वो ज्यादा उस पर हीट लग रहा है, ज्यादा टेम्परेचर उस पर लग रहा है, तो क्या होता है बहुत जल्दी कुकिंग टाइम बहुत कम हो गया, मतलब बहुत जल्दी खाना पक जाएगा। The increased pressure also helps to tenderize the food. फूड को टेंडराइज करने में भी हेल्प करेगा एंड कैन रिजल्ट इन मोर एफिशियंट कुकिंग। तो मोर एफिशियंट कुकिंग में भी हेल्प करेगा। सिंपल याद रखिएगा भाई, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू हाउसेस देन द रूम टेम्परेचर विल, क्या बोला, इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू हाउसेस, फ्यू आवर्स आई थिंक होगा, फ्यू आवर्स देन द रूम टेम्परेचर विल, तो रूम टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर आपने घर का फ्रिज आपने कुछ घंटे तक खुला छोड़ दिया, जो रूम टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखते हैं। लिविंग द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स विल कॉज द रूम टेम्परेचर टू इंक्रीज। इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन, खुला छोड़ दिया आपने अगर, द कोल्ड एयर इन साइड द रेफ्रिजरेटर, जो कोल्ड एयर होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर एस्केप्स इनटू द रूम, तो रूम में एस्केप कर जाएगा। व्हाइल वार्मर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंटर्स इन द रेफ्रिजरेटर, जो आपका मतलब वार्मर एयर होगा सराउंडिंग वो एंटर करेगा रेफ्रिजरेटर में, जो कोल्ड एयर होगा रेफ्रिजरेटर से वो एस्केप करेगा रूम में। एज अ रिजल्ट द रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम नीड्स टू वर्क हार्डर टू रिमूव द हीट गेन फ्रॉम द वार्मर एयर। अब इसका क्या होगा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर का कूलिंग सिस्टम है उसको बहुत काम करना पड़ेगा। नीड्स टू वर्क हार्डर टू रिमूव द हीट गेन, जो हीट वो गेन करेगा तो रिमूव द हीट गेन, जो उसने हीट गेन किया उसको रिमूव करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा उसको पूरी कूलिंग सिस्टम को। दिस प्रोसेस रिलीजेस मोर हीट इनटू द रूम, इससे क्या होगा और ज्यादा हीट रिलीज करेगा वो कहाँ पे, रूम में, कॉजिंग द ओवरऑल रूम टेम्परेचर टू राइज। इससे क्या होगा फिर जो रूम का ओवरऑल टेम्परेचर है वो राइज करने लगेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स आर डिजाइंड टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर, तो रेफ्रिजरेटर्स क्या है, डिजाइंड है टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर मेंटेन के लिए, इनसाइड बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम द कंटेंट्स एंड एक्सपेलिंग इट आउटसाइड। तो रेफ्रिजरेटर्स बेसिकली डिजाइन कैसे किया जाता है, टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर इनसाइड, अंदर में कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया जाता है। कैसे, बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम द कंटेंट्स एंड एक्सपेलिंग इट आउट। तो बेसिकली क्या करता है, अंदर से जो खाना होता है या कुछ आप डालते हैं फ्रिज के अंदर में, तो उसके हीट को ऑब्जर्व करके बाहर निकालता है, जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर एक्सपोज करता है। डोर्स आर लिफ्ट ओपन, जब लिफ्ट आप खोल दीजिएगा तो जो कूलिंग सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर को कम नहीं कर पाएगा, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बेकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम, जो पीस ऑफ आइस है ना जो बेकर में फ्लोट कर रहा है, कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम, जो उसके ब्रिम पॉइंट तक, टॉप पॉइंट तक पानी है। व्हेन द होल ऑफ आइस मेल्ट्स, पूरा आइस जो है मेल्ट कर जाएगा तो क्या होगा, वाटर लेवल पूछ रहा है, तो वाटर लेवल विल नॉट चेंज, वाटर लेवल जो है चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी है, द वाटर लेवल विल नॉट चेंज, वाटर लेवल चेंज नहीं करेगा। ये बीकर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ रखा हुआ है, फ्लोट कर रहा है, बर्फ पानी जब पिघल के पूरा वाटर बन गया, तो क्या पूछ रहा है कि वाटर लेवल चेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो वाटर लेवल चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हेन द आइस मेल्ट, आइस मेल्ट करेगा, इट ट्रांजिशंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट बट द टोटल मास ऑफ सिस्टम रिमेंस द सेम। तो पहली बात तो ये है, कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे, क्योंकि हम बाहर से ना कुछ डाल रहे हैं ना अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, तो आइस मेल्ट करेगा तो सिर्फ इसका क्या हुआ, सॉलिड का फेज चेंज हुआ, सॉलिड टू लिक्विड बन गया, लेकिन जो टोटल मास है पूरे सिस्टम का बेकर प्लस आइस वो कंजर्व रहेगा। देयरफॉर द मेल्टेड आइस विल ऑक्युपाई द सेम वॉल्यूम एज द आइस डिड बिफोर इट मेल्टिंग। ठीक है, तो जो आइस मेल्ट हुआ है वो उसी वॉल्यूम में जाके ऑक्युपाई कर लेगा जो पहले से आइस ऑक्युपाई कर रखा था, तो कोई नया वॉल्यूम उसको नहीं चाहिए, पहले से आइस था ही वहीं पर जाके पानी में जाके एंटर कर जाएगा। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट समर्ज्ड इन फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक बॉइंट फोर्स है, ये एक बॉइंट फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जो अगर फ्लूइड में सबमर्ज किया, ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट डाला, तो बॉइंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बॉइंट फोर्स लगेगा ऊपर डायरेक्शन में एफ बी, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यह जो ऑब्जेक्ट जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना वॉल्यूम का वेट के बराबर ये एफ बी लगेगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वही उसके वेट के बराबर आपका बॉयंस फोर्स होगा, और यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इन दिस केस द आइस वाज ऑलरेडी फ्लोटिंग इन द वाटर, तो इस केस में क्या है, आइस जो ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है, विच मीन्स दैट इट डिस्प्लेस्ड एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वेट। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कितना अमाउंट डिस्प्लेस किया है, अपने वेट के बराबर यहाँ पे है, ये इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा है, तो फोर्स आपका बैलेंस होगा, ठीक है। तो नीचे ग्रेविटी फोर्स, आपका ग्रेविटी लग रहा है mg वेट, ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा है, तो अगर आप उसको ये करेंगे बैलेंस करेंगे तो एफ इजिकल टू बॉइंट फोर्स क्या होगा, वेट होगा, ग्रेविटी होगा, और बॉइंट फोर्स और क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, दोनों बराबर हो गया, सब बराबर हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हेन द आइस मेल्ट्स इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर, जब आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है वाटर में, बट द वाटर ऑलरेडी ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज द आइस स्टेट। जब वाटर लेकिन क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एज द आइस स्टेट, तो आइस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था उतना ही वॉल्यूम वो वाटर भी ऑक्यूपाई कर लेगा, देयरफॉर देयर इज नो एडिशनल वाटर एडेड और रिमूव्ड बाय द फ्लूइड सिस्टम, उसको कोई और वॉल्यूम की एक्स्ट्रा वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम की जरूरत होगी तब वो स्पिल करेगा, या अगर कम हो जाएगा, कम वॉल्यूम की जरूरत होती तो उसका लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम फिर से रिक्वायरमेंट है, तो उस वॉल्यूम में अपना समा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइज करेगा ना ड्रॉप करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो ये आपका वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो ये सही है, एमीटर करंट मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करता है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एक डिवाइस है दैट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, तो गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो मेजर करता है, डिटेक्ट करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये भी पूछ सकता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर्स आर नॉट प्राइमरली यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर्स होता है आर नॉट प्राइमरली यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये गलत हो गया, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो कि गलत है, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है। तो बाकी सब सही दिया हुआ है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर द डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो नोन एज वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर होता है वोल्ट मीटर के कारण से, और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, तो सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है जो वोल्ट मीटर है, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपको पैरेलल में कनेक्ट करता है, मतलब ये है कहीं पे, यहाँ पे अगर मेजर करना है तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो ये इस दो पॉइंट के बीच में आपको बता देगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एंड प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल वॉल्यूम वैल्यू दैट इंडिकेट्स द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू सेलेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट एमीटर क्या है, एक डिवाइस है, एक एमीटर इज अ डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है थ्रू द सर्किट, और ये कहाँ कनेक्ट होता है, तो ये सीरीज में होता है, मतलब यहाँ पे आपको तो यहाँ करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो कराने के लिए इसको फ्लो कराना पड़ेगा, तो ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, और ये एम्पियर इसका यूनिट हो गया। एमीटर्स आर डिजाइन टू हैव लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैन मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ मेजर करता है, ठीक है, चलिए। इफ अ फेदर, ए रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन अ वैक्यूम,
देन तो ये पूछ रहा है कि फेदर हो गया जो पंख होता है, रबर बॉल हो गया या वुडन बॉल हो गया, सबको एक साथ हम फ्रीली फॉल कराते हैं एक साथ फ्रॉम सेम हाइट, एक ही हाइट से वैक्यूम में। वैक्यूम में मतलब कोई एयर नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि पहले कौन गिरेगा बाद में गिरेगा, तो ये जान याद रखिए वैक्यूम में क्या होता है, तीनों कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो तीनों एक साथ गिरेंगे, ऑल थ्री विल रीच द ग्राउंड सर्फेस टुगेदर, एक साथ फॉल करेंगे। वही बोला है कि वैक्यूम में कोई एयर रेसिस्टेंस है नहीं, कोई इसको अपोज करने वाला है नहीं, तो उसका मास या मटेरियल कुछ भी हो सभी क्या है, जो एक्सेलेरेशन होगा ग्रेविटी के कारण तो सबका सेम होगा, जी लगेगा सब पे, सेम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वैक्यूम में कोई रेसिस्टेंस नहीं होने के कारण तीनों का तीनों सेम टाइम पे गिरेगा। When a soap film on the water is seen in daytime, it shows beautiful colors. This phenomenon is due to जब soap films आप water में देखते हैं daytime में तो क्या होता है multiple colors दिखता है, beautiful colors दिखता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है आपको अभी just हमने ऊपर देखा था refraction वाले question में, ये होता है interference of light के कारण, interference of light के कारण light interfere करता है। The phenomenon of soap film, the phenomenon of soap film showing beautiful colors in the daytime is due to interference of light. Light के interference के कारण, light के interference के कारण daytime में beautiful colors दिखता है soap film पे, जो soap का film होता है, soap का कह सकते हैं जो layer होता है, और दिन के time में देखिएगा तो एक beautiful वहाँ पर colors दिखेगा, और ये होता है interference of light के कारण। Interference of light हम पहले भी देख चुके ऊपर वाले question में, तो interference occurs when two or more light waves combine either constructively. अब interference होता क्या है, जब दो या दो से अधिक light wave combine करता है। अब कम्बिनेशन में दो तरीके से होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से होगा या डिस्ट्रक्टिव तरीके से होगा। अगर कंस्ट्रक्टिवली है मतलब क्रेस्ट अलाइंस विद क्रेस्ट और ट्रफ लाइन विद ट्रफ, इसका मतलब यह है या डिस्ट्रक्टिव भी होता है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिवली होगा तो दोनों वेव कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा और एक स्ट्रॉन्गर लाइट वेव क्रिएट होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन कर रहा है डिस्ट्रक्टिव तरीके से, तो एक दूसरे वेव को कैंसिल आउट करेगा और वहां पे जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड आएगा वो जीरो आएगा, कम आएगा, ठीक है। इनके साथ सोप फिल्म के केस में क्या हो रहा है, The thickness of the film is comparable to the wavelength of visible light. जो फिल्म का थिकनेस होता है, उस लेयर का जो थिकनेस होता है वो कंपेरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, जो विजुअल लाइट है उसका वेवलेंथ के बराबर होता है, उसका वेवलेंथ थिकनेस के बराबर होता है। दिस कॉजेस द रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स टू इंटरफेयर विद द ईच अदर, तो रिफ्लेक्टिव जो लाइट होता है उससे लाइट, जैसे कि आपके फिल्म पे लाइट पड़ा, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, अब चूंकि जो थिकनेस होता है वेवलेंथ के बराबर ही होता है, तो जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है एक दूसरे से इंटरफेयर करेगा, टकराएगा और क्रिएट एक पैटर्न बनाएगा ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ, और अलग अलग कलर के लाइट होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ होता है। सो व्हेन सर्टेन वेवलेंथ इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट कलर्स, इसलिए जब सर्टेन वेवलेंथ इंटरफेयर मतलब कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेयर करेंगे तो एक अलग कलर का वेव बनेगा। The thin film act as a natural optical fiber. जो थीन फिल्म होता है वो क्या होगा, नेचुरल ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सर्टेन कलर्स व्हाइल ट्रांसमिटिंग अदर्स, ठीक है। चलिए फिर एक डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट रिफर्स टू द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स एज द इनकाउंटर और एन ऑब्स्टिकल और पास थ्रू एन अपर्चर रिजल्टिंग इन द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू रीजन दैट वुड नॉर्मली बी शैडोड। ये क्या बोल रहा है कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी लाइट मतलब क्या होगा किसी ऑब्स्टिकल से या ऑब्स्टिकल से इंकाउंटर करेगा पास करेगा तो बेंड कर जाएगा, लाइट वेव जो है बेंड कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, लाइट पूरा स्प्रेड फैल जाएगा इनटू रीजंस दैट वुड नॉर्मली बी शैडोड। जनरली क्या होना चाहिए, वहाँ पे लाइट नहीं जाना चाहिए, शैडोड एरिया होना चाहिए, छाया पड़नी चाहिए उस पर, लेकिन वहाँ पे ऑब्स्टिकल के कारण बेंड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए नैरो स्लिट, जैसे कि एक नैरो स्लिट से आप पास करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नैरो स्लिट है, यहाँ से आपने पास किया, इट डिफ्रैक्ट्स एंड क्रिएट्स ए पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क रीजन नोन एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर डिफ्रैक्ट होगा, एक पैटर्न बनाएगा अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रीजन का, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रीजन का, जिसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। दिस फिनोमेनन कैन बी ऑब्जर्व व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ नैरो ओपनिंग, तो यह जो फिनोमेनन है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ नैरो ओपनिंग, जब नैरो ओपनिंग से पास करेगा
और व्हेन लाइट पासेस इनकाउंटर द एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एज से जब पास करेंगे तब डिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये ऑलरेडी देख चुके हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव होता है एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लीजिए, डिफरेंट डेंसिटी कह लीजिए। जब लाइट वेव ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है, या हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिजल्टिंग इन अ चेंज इन द डायरेक्शन, इससे क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस फिनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन वाटर। वाटर के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अपेरेंट शिफ्ट दिखेगा, मतलब एग्जैक्टली वहां नहीं दिखेगा जहां पे वो है, कहीं और मतलब थोड़ा ऊपर दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जो रेनबोज का फॉर्मेशन होता है वेयर सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड बाई वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोसफेयर। तो आपने ऑब्जर्व किया है बारिश के टाइम रेनबो दिखता है इंद्रधनुष, वो क्यों दिखता है, क्योंकि जब सनलाइट पास एटमोसफेयर से पास करता है, ठीक है, तो एटमोसफेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्शन होते हुए पहुंचता है हमारे आंखों तक, जिससे आपको अलग अलग रंग्स के मतलब कलर्स दिखते हैं, रेनबो दिखता है। फिर है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ लाइट वेव्स इन अ स्पेसिफिक प्लेन। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, इट रिफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उसका अलाइनमेंट करेंगे हम, डायरेक्शन फिक्स करेंगे एक स्पेसिफिक प्लेन में, एक स्पेसिफिक प्लेन में, रिजल्टिंग इन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट वाइब्रेशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट वाइब्रेशन होता है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पोलराइज लाइट इज द ग्लेयर ऑब्जर्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर और ऑन अ शाइनी सर्फेस। तो वाटर के सर्फेस पे शाइनी सर्फेस पे क्या होता है, आप ऑब्जर्व करोगे कि ग्लेयर हमको लगेगा, चमक, एक अलग चमक दिखेगा, एक चमकेगा एक तरह से, तो उसे बोलेंगे पोलराइज लाइट, लाइट पोलराइज हो गया, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या हो गया, अलाइन हो गया इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है, तो ये आप सभी को पता होगा, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का समेशन होता है वही मास नंबर कहलाता है, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज द सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मास नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए, क्लियर है। द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन क्या होता है, मास नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर होता है, यहाँ पे मास नहीं होता है, नॉट मास इटसेल्फ, तो इसलिए गलत हो गया है, ठीक है। ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक वेट, ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक वेट, द एटॉमिक वेट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का सभी आइसोटोप्स का जो एवरेज मास होता है वो एटॉमिक वेट कहलाता है। तो एटॉमिक वेट से मास नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, टेकिंग इन टू अकाउंट द रिलेटिव अबंडेंस द मास नंबर इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस में और मे नॉट बी ग्रेटर देन द एटॉमिक वेट, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मास नंबर जो है स्पेसिफिक, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट, तो इससे कोई संबंध नहीं है। Always less than this atomic number, तो ये भी गलत है, atomic number क्या होता है, number of protons की संख्या को atomic number कहते हैं, लेकिन not necessarily equal to the mass of number, the mass number के बराबर होगा ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। The mass number क्या होगा, greater भी हो सकता है और equal to भी atomic number हो सकता है, but not less तो नहीं होगा, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन जीरो हो जाएगा तो उस केस में आपको मास नंबर और एटोमिक नंबर बराबर हो सकता है, लेकिन मास नंबर कम हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सीमेंट का, तो ये है आपका लाइम स्टोन, तो सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, लाइम स्टोन ड्यू टू इट्स हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट, लाइम स्टोन जो कि क्या होता है, हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है, सर्व एज द मेन इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट के प्रोडक्शन में मेन इंग्रेडिएंट, मेन कॉन्स्टिट्यूंट के रूप में हम यूज करते हैं क्या, लाइम स्टोन, क्योंकि यहाँ इसमें हाई कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ लाइम स्टोन की, तो लाइम स्टोन इज प्राइमरली कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्राइमरी इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, तो लाइम स्टोन क्या है, बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक होता है दैट फॉर्म्स ओवर टाइम फ्रॉम द
एक्यूमुलेशन ऑफ मैरिन ऑर्गेनिज्म सच एज कोरल एंड सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कैसे बनता है, टाइम के साथ बनता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मैरिन ऑर्गेनिज्म, जो मैरिन ऑर्गेनिज्म होता है उसके एक्यूमुलेशन से, जैसे कि मान लीजिए कोरल हो गया या सेल्स हो गया, वो जब एक्यूमुलेट करेगा बहुत लंबा टाइम के बाद लाइमस्टोन बनेगा, और चूंकि सेल से बनता है, कोरल से बनता है, इसलिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर बात करें कैल्सिनेशन प्रोसेस की, टू प्रोड्यूस सीमेंट लाइम स्टोन इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए लाइम स्टोन क्या होता है, एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स हीटिंग लाइम स्टोन। यहाँ इसमें कैल्सिनेशन में होता क्या है, तो हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर लाइम स्टोन को हीट करते हैं, हीट करते हैं इन अ किल्न, एक किल्न होता है, एक चैम्बर टाइप से होता है, तो वहाँ पे हम हीट करते हैं लाइम स्टोन को। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन लाइम स्टोन अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। तो कैल्सिनेशन के टाइम में क्या होता है, जो लाइम स्टोन होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं क्विक लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन कन्वर्ट हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO, जिसको क्या बोलते हैं क्विक लाइम। ये भी याद रखिएगा क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन के कैल्सिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, फिर होता है क्लिंकर फॉर्मेशन, द कैल्सिन लाइम स्टोन आफ्टर कैल्सिनेशन लाइम स्टोन जो हमारे पास आएगा, और क्विक लाइम ये बोलेंगे इज देन मिक्स्ड विद अदर मटेरियल्स। इसको हम दूसरे मटेरियल्स के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, जैसे कि क्ले हो गया या सेल हो गया उसके साथ मिक्स करेंगे। दिस मिक्सचर इज फाइनली ग्राउंड, फिर इसको हम कूटेंगे, फाइनली ग्राउंड करेंगे, इसे मिक्सचर बनाएंगे, रिजल्टिंग इन अ पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड क्लिंकर। जो कूटने के बाद क्या बन जाएगा, पाउडर पाउडरी सब्सटेंस बन जाएगा, जिसे हम कह देंगे क्लिंकर बोलेंगे। ठीक है, फिर वो ग्राइंडिंग एंड फाइनल सीमेंट प्रोडक्शन, द क्लिंकर इज फर्दर ग्राउंड विद जिप्सम। उसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद, कूटने के बाद उसमें क्या मिलाएंगे, जिप्सम मिलाएंगे, कैल्शियम सल्फेट मिलाएंगे। ठीक है, कुछ दूसरे एलिटी मिलाएंगे, जैसे कि सिल्का क्ले हो गया, फ्राई एस हो गया, और जब मिला के फिर से कूटेंगे, फिर से उसको ग्राइंड करेंगे, और फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, सीमेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। दिस एलिटी मे इनहांस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। और ये जो हमने मिलाया है, कैल्शियम सल्फेट मिलाया है, कुछ फ्लाई एस मिलाएंगे, तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को इन्हांस करेगा या डिप्रेस करेगा, जैसे कि सेटिंग टाइम हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा हमने मिलाया है। ठीक है, सीमेंट एप्लीकेशन की बात करें, तो सीमेंट इज अ वर्सेटाइल मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कंक्रीट प्रोडक्शन, मोटर, प्लास्टिक, अलग अलग सा यूज है, आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, जो आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो किस चीज में डिफर करते हैं, तो मास नंबर में डिफर करते हैं। ठीक है, मास नंबर में डिफर करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंस होगा आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स होता क्या है, तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का सेम नंबर होगा, तो मतलब विच डिटरमाइंस एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होगा। ठीक है, हाउएवर दे डिफर इन देयर मास नंबर, लेकिन मास नंबर में डिफरेंस आएगा, मास नंबर में डिफरेंस आएगा, विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर होता क्या है, तो मास नंबर क्या होता है, या इसको ए से बोलते हैं, डिफाइन करते हैं, ए से एटॉमिक नंबर, एम से मास नंबर मान लीजिए, तो या एम से, तो ये होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स उन दो आइसोटोप्स में डिफरेंट हो गया। तो आपका यह डिफिनेशन आ गया, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या होती है, विच रिजल्ट्स इन द डिफरेंट मास नंबर फॉर ईच आइसोटोप। हर आइसोटोप के लिए क्या होता है, एक अलग अलग मास नंबर निकल कर आता है। एग्जाम्पल देखें, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन देर आर थ्री आइसोटोप्स, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केस में देर आर थ्री आइसोटोप्स, तीन आइसोटोप होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन वन विद मास नंबर ऑफ वन, हाइड्रोजन वन विद मास नंबर ऑफ वन। ठीक है, इसका मास नंबर क्या हो गया, वन हो गया, और ड्यूटेरियम इसका मास नंबर दो होता है, और ट्रिटियम जिसका मास नंबर तीन होता है। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, डिस्पाइट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, वन प्रोटॉन दीज आइसोटोप्स हैव द डिफरेंट मास नंबर। तो सब में क्या है कि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एक एक प्रोटोन है, लेकिन जो मास नंबर डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि उसके न्यूक्लियाई में, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। ठीक है, इस कारण से मास नंबर डिफरेंट है सबका, और इसीलिए सब आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका प्रोटियम हो गया, वन वन एटॉमिक नंबर एक, मास नंबर भी एक, तो मतलब न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम में क्या है, वन टू, मतलब एटॉमिक नंबर तो एक है, मास नंबर दो है। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन भी है
और एक प्रोटोन भी है। ट्रिटियम क्या होता है, 1 3, मतलब एक प्रोटोन हो गया और 2 न्यूट्रॉन हो गया, इसलिए मास नंबर 3 है। समय आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटोन क्या है, समय बराबर है, लेकिन मास नंबर क्या है वो सब में डिफरेंट है, और इसलिए तीनों क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये क्या है, आइसोटोप्स है। अगर बात करें तो टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में स्टेट टुगेदर इज नोन एज, वह टेम्परेचर पॉइंट जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट, मतलब एक ही टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में वो एग्जिस्ट करे, उसको हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट, मतलब वह टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में स्टेट टुगेदर सब साथ में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट। द ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ट्रिपल पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर और प्रेशर है एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में सब साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड है और या गैसियस हो, ठीक है। वह ट्रिपल पॉइंट वह टेम्परेचर है या प्रेशर है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम बनाकर। इट इज अ यूनिक कम्बिनेशन स्पेसिफिक टू ईच सब्सटेंस। तो हर सब्सटेंस का एक यूनिक स्पेसिफिक यूनिक कम्बिनेशन होता है, यूनिक कम्बिनेशन बनता है और हर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक होता है एंड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर टेम्परेचर कैलिब्रेशन, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है फॉर टेम्परेचर कैलिब्रेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये आप सभी को क्लियर होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच सब्सटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज, तो गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने वाला जो टेम्परेचर होता है उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का अगर पूछ दिया तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर 1 atm प्रेशर है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा फॉर वाटर। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे सब्सटेंस ट्रांजिशन करता है, चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड फेज में आपको ये करेगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो गया। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का एंड रिमेंस कॉन्स्टेंट अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर केस में ये कॉन्स्टेंट होगा, कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट। अगर बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसमें सब्सटेंस कन्वर्ट होता है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फेज, लिक्विड टू सॉलिड फेज, लिक्विड टू सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है। इट इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही है, एज द फ्रीजिंग पॉइंट इज द रिवर्स ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक दूसरे का रिवर्स है। मेल्टिंग में सॉलिड टू लिक्विड होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ये आप सभी को पता होगा बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट ओर है। चलिए पढ़ते हैं सभी ओर के बारे में थोड़ा थोड़ा। बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है, क्लियर है। बॉक्साइट इज द मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम विच इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स लाइट वेट, कोरोजन रेसिस्टेंस एंड एक्सीडेंट कंडक्टिविटी। तो अगर कुछ प्रॉपर्टीज हम देखें एल्यूमिनियम का, लाइट वेट होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, इसमें जंग नहीं लगता है और एक्सीडेंट कंडक्टिविटी होता है, इसलिए बहुत सारा इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है और इसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, बॉक्साइट है। अगर बात करें कैलामाइन का, तो कैलामाइन क्या है कि मिनरल कंपोज ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो एक मिनरल है जो किससे बना है, जिंक कार्बोनेट से बना है, ZnCO3 से बना है कैलामाइन, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, प्राइमरली यूज इन मेडिसिनल लोशंस में यूज होता है, क्रीम्स फॉर इट्स सूथिंग प्रॉपर्टीज ऑन द स्किन। स्किन पे क्या करता है, सूथिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है, ठीक है। और इसलिए तो मेनली याद रखिए कैलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है और सूथिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्किन में यूज होता है, मेडिसिनल लोशन में यूज होता है कैलामाइन। अगर बात करें कैलासाइट की, तो ये एक मिनरल है फाउंड इन मेनी रॉक्स एंड इज मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैलसाइट क्या है, किससे कंपोज है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है, ऑफन यूज एज बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइम एंड एज अ फ्लक्स इन स्टील प्रोडक्शन। स्टील प्रोडक्शन में फ्लक्स के रूप में, मतलब फ्लक्स के प्रोडक्शन में और लाइम के प्रोडक्शन में। अगर हम बात करें गैलेना का, तो गैलेना क्या होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लीड। गैलेना क्या है, गैलेना किसका ओर है, तो ये लीड का है, लीड का है और प्राइमरी कंपोज ऑफ लीड सल्फाइट। प्राइमरी इसमें क्या होता है, लीड सल्फाइट PbS से मिलकर बना है, इससे PbS से। गैलेना हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एज अ सोर्स ऑफ लीड एंड द प्रोडक्शन ऑफ लीड एसिड बैटरीज, ठीक है। तो ये गैलेना हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज, एक सेंचुरीज तक यूज होता है सोर्स ऑफ लीड, लीड के सोर्स के रूप में
और ये कहाँ यूज होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ लीड एसिड बैटरी, जो लीड एसिड बैटरीज होते हैं उसके प्रोडक्शन में यूज होता है गैलेना का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज अ पीएच वैल्यू मोर देन 7, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 है, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन है, ठीक है, पता होगा आप सभी को। तो बेसिक सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक का क्या होता है, पीएच लेस देन 7 होता है, न्यूट्रल का क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू 7 होता है, यहाँ पीएच पूछा है ग्रेटर देन 7, तो ये आपका हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम पीएच स्केल को डिफाइन करें तो पीएच स्केल होता है क्या, तो पीएच स्केल इज अ लॉगरिथमिक स्केल यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पीएच बेसिकली होता है क्या, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, तो 0 to 14 होगा इसका रेंज पीएच स्केल का, और स्केल इज बेस्ड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। पीएच पीएच द लोअर पीएच इंडिकेट्स हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस है, अगर लोअर पीएच है, पीएच का वैल्यू कम है, इसका मतलब जो एच प्लस का कंसेंट्रेशन हायर है, अगर हायर पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्कलाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जिससे कि अगर ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अल्कलाइन नेचर है, क्या है, अल्कलाइन नेचर, ठीक है। सॉल्यूशन विद पीएच ग्रेटर देन 7 आर क्लासिफाइड एज अ बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशंस हैव अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस देन हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो OH माइनस का कंसेंट्रेशन होता है, OH माइनस का कंसेंट्रेशन होता है वो हायर होता है देन H प्लस आयन, ठीक है। एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इंक्लूड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, NaOH ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है डिजॉल्व इन वाटर और सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH3, तो ये वाटर में डिजॉल्व होता है या सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH3, ये भी क्या है कि बेसिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस विद पीएच वैल्यू लेस देन 7, अगर लेस देन 7 है पीएच तो उसको हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे, और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होता है वह ज्यादा होता है OH माइनस से, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जितना भी एसिड होगा वो क्या होता है, एसिडिक होता है, नाम से ही क्लियर है। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, इसका मतलब ये नहीं एसिडिक है, नहीं एसिडिक है, नहीं अल्कलाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस होता है वो बराबर होता है OH माइनस के, दोनों का एच प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसेंट्रेशन, दोनों का बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। और जैसे कि प्योर वाटर रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे प्योर वाटर क्या है, इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच व्हेन एन एसिड और बेसिस इज एडेड टू इट। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो अपना पीएच, जो रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, जो पीएच को, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब उसका पीएच चेंज नहीं होने देता है जब उसके एसिड या बेस मिलाएंगे तो, ऐड करेंगे तो। इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड, इट कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, और वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड। तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, उसका कंजुगेट बेस होगा, या अगर वीक बेस हुआ तो उसका कंजुगेट एसिड होगा। बफर सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट इन मेनी बायोलॉजिकल सिस्टम, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट होता है एंड लेबोरेटरी एप्लीकेशन में भी, ठीक है, जहाँ पे पीएच स्टेबल पीएच इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम 2021, जो 66 का री एग्जाम हुआ था 2021 में वो देखते हैं। 91th क्वेश्चन नंबर है, इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इनमें से कौन सा फिजिकल मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका आंसर हो जाएगा सी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज बट सर्व एज अ बेस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन अ गिवन इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है, वह क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम किसी दूसरे टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट सर्व एज अ बेस यूनिट, जो कि बेस यूनिट के टर्म में इसको हम सर्व करते हैं, बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट के सिस्टम में इसको हम बेस मानते हैं और इसी से बाकी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इज मेजर इन एम्पियर्स, और ये मेजर होता है एम्पियर्स में,
इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम. एंड इट्स फंडामेंटल कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है. ऑन द अदर हैंड फोर्स, वेलोसिटी एंड वर्क आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो ये जो फोर्स हो गया या वेलोसिटी हो गया या वर्क हो गया, ये सब क्या डिराइव्ड है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया हमने डायरेक्टली, ये फंडामेंटल नहीं है. मीनिंग दे कैन बी डिफाइंड और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. का मतलब ये हुआ कि फोर्स को, वेलोसिटी को या वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में. क्लियर है? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन. हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं. वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो वर्क क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ इन टू डी. एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी. वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इन टू जी और एम इन टू ए. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल पूछा है. तो साउंड वेव, साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है. साउंड वेव क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. तो बी हो जाएगा आंसर इसका. ठीक है. एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव. साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है. इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, वाइब्रेट और ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. तो ऐसे ऐसे मूव करते हैं. यहाँ पे इस, अगर इस डायरेक्शन में वेव का डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में आपको मूव करेंगे. पार्टिकल जो होगा इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव. और एग्जाम्पल हो गया उसका साउंड वेव. साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड्स. दे कॉज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. कंप्रेशन होता है, ठीक है, कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे दूरी बनेगा, इसको बोलेंगे रेयरफैक्शन. ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल. वेव ट्रेवल में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा उसी डायरेक्शन में एक कंप्रेशन बनाएगा पार्टिकल्स और फिर रेयरफैक्शन बनाएगा. क्लियर है? साउंड वेव्स आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज सच एज गिटार स्ट्रिंग. गिटार स्ट्रिंग क्या करता है? साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है. वोकल कॉर्ड्स, स्पीकर्स. रेडियो वेव्स, एक्सरेज एंड गामा रेज आर एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. जो रेडियो वेव होते हैं, ये एक्सरे होते हैं, ये गामा रेज होते हैं, ये एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल है, विच आर ट्रांसवर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होते हैं. और एग्जाम्पल पूछेगा तो रेडियो वेव, एक्सरेज और गामा रे, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसीलिए ये सब ट्रांसवर्स वेव है. ठीक है. ट्रांसवर्स वेव्स आर अ टाइप ऑफ वेव इन विच द ऑसिलेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू और ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपेगेशन. तो वेव ऑफ प्रोपेगेशन अगर ऐसे है तो जो पार्टिकल होगा वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा उसके परपेंडिकुलर. ठीक है. ये आपका दिया हुआ है पूरा अलग अलग रेज के बारे में. ठीक है. तो गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. ये हो गया विजुअल रेंज ऑफ, इसका बीच में अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आएगा आपका विजुअल रेंज. हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी. अगर बात करें रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव क्या होता है? रेडियो वेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो रेडियो वेव क्या है? एक टाइप है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद लॉन्ग वेवलेंथ. जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी जाहिर सी बात कम होगा. दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. तो रेडियो वेव किसमें यूज होता है? कम्युनिकेशन में, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविजन सिग्नल हो गया या वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे यूज होगा. अगर बात करें एक्सरेज की, तो एक्सरेज आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जो एक्सरेज है ये बेसिकली फॉर्म किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. ठीक है. तो शॉर्टर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहाँ पे कम होगा, विद हायर फ्रीक्वेंसी होगा देन विजिबल लाइट. विजिबल लाइट के कंपेरिजन में वेवलेंथ कम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरेज का, एक्सरेज यहाँ विजिबल है और ये वेवलेंथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है. तो एक्सरेज का वेवलेंथ जो है विजिबल से कम होगा. कम होगा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. एक्सरेज आर वाइडली यूज इन मेडिकल इमेजिंग टू क्रिएट डिटेल्ड इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. तो बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका इमेज निकालने के लिए एक्सरेज किया जाता है. हेल्पिंग टू डायग्नाइज वेरियस कंडीशंस एंड इंजरीज. तो अलग अलग कंडीशंस और इंजरी को हेल्प करता है डायग्नाइज करने में. दे आर ऑल्सो यूज इन अदर फील्ड सच एज सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एंड इंडस्ट्रियल टेस्टिंग.
फिर गामा रेज की बात करें तो गामा रेज आर द हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म होता है विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप लोग गामा रेज को देखेंगे साइड पे सबसे स्टार्टिंग में है, मतलब वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। दे आर इमिटेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम में गामा रेज निकलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके हो गया या हाई एनर्जी पार्टिकल इंट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पे गामा रेज निकलेगा। वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ठीक है। दे आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मेडिकल इमेजिंग एंड कैंसर ट्रीटमेंट। रेडिएशन थेरेपी हो गया या साइंटिफिक रिसर्च करना है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है भी है। तो ये थी कहानी आपकी गामा रेज की। सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज, उसके बाद एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। और जो विजुअल रेंज आता है आपके यहाँ पे अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड के बीच में होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।